एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ शॉपिंग हॉल। सो दिस टाइम मैंने जो अमेज़न से शॉपिंग करी है, मोस्टली मैंने ड्रेसेस शॉपिंग करी है समर्स को ध्यान में रखते हुए। पर्सनली आई एम नॉट अ ड्रेस पर्सन, मुझे जीन्स एंड टॉप्स में जितना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है उतना ज्यादा मुझे ड्रेसेस में नहीं लगता है। इवन आई डोंट एंजॉय वेयरिंग ड्रेसेस अ लॉट, भले वो कैसी भी हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, मिनी हो, मैक्सी हो, मुझे पसंद ही नहीं आती है ड्रेसेस। मैं ज्यादा कंफर्टेबल, भले मैं टॉप्स जितने फैंसी पहन रहा हूँ उतने फैंसी पहन लूंगी, बट मुझे जीन्स पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। बट फिर भी आई थॉट कि लेट्स शॉप थोड़ा बहुत ड्रेसेस, बिकॉज मैंने काफी टाइम से ड्रेसेस शॉप नहीं करी है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय MHS, दैट इज माई हॉल स्टोर। लेकिन ये जितनी भी शॉपिंग है ये मैंने अपने पसंद से करी है। सो माई हॉल स्टोर बेसिकली क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। एक आपको एक शॉप का लिंक दिया रहेगा जिसके अंदर ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब रहेंगे विद पिक्चर्स रहेंगे, तो आपको इजी रहेगा सर्च करने के लिए। जनरली मैं कैसे लिंक्स शेयर करती हूँ, एक एक सिंगल लिंक्स शेयर करते हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी होती होगी प्रोडक्ट्स को सर्च करने में भी, और वो एक एक प्रोडक्ट देखना एंड ऑल दैट, फिर आप पीछे जाते हो, फिर आप लिंक को क्लिक करते हो, फिर आप देखते हो, है ना। तो इसमें क्या होगा, माय हॉल स्टोर में नीचे लिंक भी आएगा, आपको सिर्फ एक कस्टमाइज्ड एक जनरल जो सिंगल लिंक है उसको क्लिक करना है एंड सारे प्रोडक्ट्स आपको जो मैंने पिछले भी इनफैक्ट शॉपिंग करी हुई है ना वो सब भी आपको इसी में मिल जाएंगे, और आप बकायदा पिक्चर विक्चर प्राइस वाइज सब कुछ आपको उसमें दिख जाएगा इजीली। सो इट्स वेरी इजी, तो आप वो जरूर चेक करिएगा। एंड या विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो पहले तो मैं ड्रेसेस स्टार्ट करने से पहले मैंने चार मैंने टॉप्स भी मंगवाए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो दिस इज द टॉप, वेरी सटल येलो कलर है एंड इसमें काफी ब्यूटीफुल से यू नो ब्लू एंड व्हाइट शेड में प्रिंट्स बने हुए हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई रियली लव दिस काइंड ऑफ अ स्क्वायर नेक, मुझे ये नेकलाइन बहुत ज्यादा पसंद आती है पर्सनली भी। सो या ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छी है, क्यूट है, समरी वाइब्स को लेकर के टॉप है ये। सो ये है मेरा फर्स्ट परचेस, इसको मैं पहन करके दिखाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। And the day that I met you, I would always find a way to make it right, any place, anywhere. सेकेंड परचेस ये मैंने खरीदा है Amazon से एंड दिस इज राइट द ब्रांड ओनली, और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2299 एंड आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 900 समथिंग में मिला था एंड आई रियली लव द टॉप। इसकी फिटिंग, प्रिंट सब कुछ बहुत प्यारा है, ऑरेंज कलर का है जिसमें ब्लू कलर के ऐसे राउंड राउंड जो प्रिंट्स होते हैं वो बने हुए हैं। यहाँ पर स्पेगेटी में आप इसको टाइट एंड लूज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा क्रॉप है, बहुत ज्यादा क्रॉप भी नहीं है और बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, परफेक्ट लेंथ है, जितना मुझे एक्चुअली में पसंद है उस तरह की इसकी लेंथ है। तो ये है मेरा सेकंड टॉप। उसके बाद आते हैं थर्ड ड्रेस। सो अभी मैं आई थिंक परसों के दिन ही मैं बीची एरिया पे गई थी, वहां पर मैंने इस ड्रेस को कैरी किया था एंड काफी सारे लोगों ने जब मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था पूछा था कि आपने कहाँ से परचेस करी है, दी ब्रांड ओनली। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस है, इसमें जो इसका स्लिट कट है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है। सो ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, डार्क पिंक एंड रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में है ये। इसका स्लीव्स वगैरह सब कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये है मेरा next purchase. Know that I can't be wrong, whatever I do, and as long as you're with me, we would always find. उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट परचेस पे। तो आई गॉट अ ड्रेस फ्रॉम रंगरीति, तो ये थोड़ा ऐसे बोहेमियन काइंड ऑफ ड्रेस है। दिस इज द ड्रेस, ये है ये है ड्रेस का। उसमें अच्छा खासा एक इंडियन टच है, इसकी स्लीव्स काफी अच्छी हैं एंड इसका यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, तो काफी बोहो स्टाइल में है ये एंड नी लेंथ है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि मुझे ये रखना है कि नहीं रखना है, बिकॉज दिस इज नॉट माई स्टाइल। मैंने मंगवा तो लिया था कि शायद मेरे ऊपर अच्छा लग जाए, बट पहनने के बाद मुझे बहुत मजा नहीं आया। तो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि कैसा लग रहा है ये। बट इफ यू हैव दिस स्टाइल, अगर आपका ये स्टाइल है तो आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं, बिकॉज ये कॉटन है, मटेरियल वाइज बहुत अच्छा और बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल गया था मुझे ये। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1199 एंड मुझे ये 450 कुछ की रेट में मिला है। उसके बाद नेक्स्ट
मैंने अमेजन ब्रांड की ही दो टी शर्ट का सेट मंगवाया हुआ है. एक तो ये ब्लू कलर में है, वी नेक इसका डिजाइन है, स्लीव्स इसकी काफी ऐसे जो ब्रॉड स्टाइल में होती है ना उस तरह से इसकी स्लीव्स है, एंड प्लेन टी शर्ट है, कुछ ऐसा फैंसी नहीं है. आप इसको घर में पहन सकते हैं और चाहे तो आप समर्स के लिए यूज कर सकते हैं. पहले मैं सोच रही थी कि इसको नहीं रखूंगी, बट देन मुझे इस पहनने के बाद बहुत अच्छी लगी. एंड कॉटन है तो डेफिनेटली मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं जब भी शॉपिंग करूंगी तो जितने कपड़े मैं रखूंगी, जो जो कपड़े मेरे पास नए आएंगे उतने ही मैं पुराने डीक्लटर करूंगी या डोनेट करूंगी. तो वो प्रोसेस चल रहा है. अगर मैं ये टॉप रख रही हूँ तो इसी के जैसा कोई पुराना टॉप जो 4-5 साल पुराना हो चुका है उसको मैं निकाल देती हूँ. तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो ये है इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट. ये दो के कॉम्बिनेशन में आया था, इसमें और भी कलर्स आते हैं बट ये ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन मुझे सही लगा था तो मैंने ये ऑर्डर किया है. एंड आई एम इन द साइज एस. बाद जो नेक्स्ट ड्रेस में आते हैं, दिस इज माई फेवरेट फेवरेट ड्रेस इस पूरे कलेक्शन में. तो ये जो ड्रेस है ये वेरोमोडा का है एंड अमेजिंग स्टाइल. मैंने इस तरह का कभी कोई ड्रेस नहीं पहना है, बहुत सही लग रहा था ये. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बैक देख लेते हैं, ठीक है. तो ये इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बैक है एंड बहुत सही लग रहा है ये. आप जस्ट इसका बैक स्टाइल देखिए. तो ये ओपन कट है, यहाँ से पीछे से कट है. इट्स लाइक अ बीची ड्रेस बट आप आराम से इसके ऊपर जीन्स का जैकेट या लूज शर्ट डाल के नॉर्मली भी पहन सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग इतना ज्यादा ऐसे पीछे से ओपन 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 वाला ड्रेस. एंड सामने से ये ऐसा स्लीवलेस है एंड इसका जो नीचे का ये भी बहुत बहुत ज्यादा प्यारा है. आई रियली लव्ड इट. इसका डिजाइन देखिए आप कितना सही लग रहा है. सो यस, ये है नेक्स्ट ड्रेस. इसको मैं पहन करके दिखाऊंगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा. आई एम इन द साइज स्मॉल एंड इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 3499 एंड मुझे ये 1300 की रेट में मिला है. एंड अगेन ये कॉटन का ड्रेस है, ग्रे कलर का, काफी स्टाइलिश सा एंड स्मार्ट सा ड्रेस है. ग्रे है, इसमें व्हाइट कलर के ऐसे स्ट्राइप्स बने हुए हैं, वी नेक है एंड अच्छा लगा मुझे ये वाला ड्रेस भी. थोड़ा सा बॉडी कॉन है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा. एंड यहाँ पर साइड में इसके पॉकेट्स दिए हुए हैं. आई रियली लाइक इट. काफी अच्छा क्यूट सा हल्का फुल्का सा ड्रेस है और मैं आपको इसको पहन के दिखाऊंगी तो पता चलेगा. अगेन आई एम इन द साइज स्मॉल. दिस इज अ टॉप, वेरी नाइस, इजी ब्रीजी, बहुत अच्छा सा टॉप है. काफी यू नो लाइट एंड समरी कलर है और सैलमन पिंक टाइप का शेड है इसका एंड चेक्स बने हुए हैं बहुत छोटे 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 से. तो अच्छा लगा मुझे. इसका पैटर्न भी काफ़ी लूज फिट है, बहुत ज़्यादा लूज फिट है, एरी एरी है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इसका स्टाइल भी और काफ़ी कुछ नया है. मैं तो ये वैसे तो मेरा स्टाइल नहीं है बट आई कैन एक्सपेरिमेंट विद दिस ड्रेस, मतलब ऐसा मैं पहन सकती हूँ तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है. सो ये है मेरा नेक्स्ट परचेस. उसके बाद आते हैं लास्ट ड्रेस पे. तो जो ये लास्ट ड्रेस है, वेरी 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 ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम वेरोमोडा एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रिंट है इसके. आप प्रिंट्स देखिए इसमें, कितने सटल एंड कितने ब्यूटीफुल कलर्स दिए हुए हैं. कोरल काइंड ऑफ अ प्रिंट है. इसका नेक बहुत प्यारा है, इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, सब कुछ इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है. बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये स्मॉल साइज मंगवाया था. वैसे मुझे स्मॉल साइज एकदम परफेक्ट आ रहा है बाकी सभी चीज़ों में और बट मुझे ये अनफॉर्चुनेटली इसका जो फिटिंग है वो मेरी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है. ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है फ्रॉम द चेस्ट सेक्शन एंड इवन फ्रॉम द वेस्ट सेक्शन एज वेल. और जब मैंने एम मंगवाया था तो एम मुझे बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था. तो आई थिंक दिस इज नॉट फॉर माई बॉडी टाइप डेफिनेटली. कुछ ड्रेसेस होते हैं जो आपके बॉडी टाइप के लिए नहीं होते हैं, सो दिस इज वन ऑफ देम. बट दिस इज अमेजिंग ड्रेस. अगर ये मुझे फिट आता तो दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट कलेक्शन. आप इसके स्लीव्स का प्रिंट देखो कि ये कितना ज्यादा ब्यूटिफुल इसका डिजाइन है. यस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो. सारे स्क्रीन पे प्राइसेस लिख दिए हैं, ब्रांड्स लिख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा. माई हॉल स्टोर चेक जरूर करिएगा, वेरी इजी क्लिक करना और बस आपको नॉर्मल शॉपिंग कर लेना है जैसे आप शॉपिंग करते हैं. सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय.